नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खास खबरों में। दमोह के बस स्टैंड पर पत्नी द्वारा पति के साथ की गई मारपीट, ससुर ने भी दामाद पर किया हाथ साफ, वीडियो हुआ वायरल। दमोह तहसीलदार द्वारा जेल विभाग द्वारा बनाए गए पेट्रोल पंप का हटाया गया अतिक्रमण। भगवती मानव कल्याण संगठन ने हटा थाना पुलिस के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। पटेल समाज द्वारा ललितपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए दिया गया ज्ञापन। ये है दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं सड़क हादसे की। दमोह के कुंडलपुर के पास आज दो बाइक आमने सामने से भिड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे पहले इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया। हालत बिगड़ने पर दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा था कि ये हटा की तरफ से कुंडलपुर की ओर आ रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। दमोह के कुंडलपुर के पास आज एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर इसे जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति हटा से कुंडलपुर की तरफ आ रहा था, उसी दौरान दोनों बाइक आपस में भिड़ गई। ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। कैसे हो गया पता नहीं, ये कहूँ से वापस आ रहे थे अटा मटा से, घर जा रहे थे, रास्ता में वो घटनास्थल कौन सा है? कुंडलपुर। तो किसी चीज से भिड़े हैं कि गिर गए? पता चल रहा मोटरसाइकिल से आमने सामने। चलिए, मामले की खबर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। अर्षद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण हटाओ मुहिम की। दमोह तहसीलदार द्वारा आज दमोह के जेल के बाजू में बन रहे पेट्रोल पंप का अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल जेल विभाग द्वारा ही इस पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य सड़क तक पहुंच गया था, जो कि दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा था। कई शिकायतें हुई, जिसके बाद दमोह तहसीलदार मौके पर पहुंची और उनके द्वारा ये अतिक्रमण हटवाया गया। दमोह प्रशासन द्वारा आज जेल विभाग द्वारा बनाए गए पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल जिला जेल के बाजू में जेल विभाग द्वारा एक पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जो कि सीमा से बाहर बढ़ गया था। इसमें कंस्ट्रक्शन सड़क तक पहुंच गया था। बार बार शिकायतें हो रही थी, जिसके बाद दमोह तहसीलदार बबीता राठौर मौके पर पहुँची और इस पेट्रोल पंप का अतिक्रमण हटाया। इसमें एक्चुअल में जो इन लोगों ने नया निर्माण किया, उसमें पेवर्स लगाने के बाद पट्टी उठा दी है, और पुरानी रोड के हिसाब से जो इनकी बाउंड्री बनी है, बाउंड्री के बहुत आगे जाके पट्टी का निर्माण किया गया है, तो केवल वही पट्टी हटाई गई है। ये जो पेट्रोल पंप है, किसके द्वारा बनवाया गया? ये जेल विभाग की तरफ से बनवाया गया। बबीता राठौर की माने तो ये इस तरह का निर्माण कार्य किया गया था, जो कि खतरनाक साबित हो रहा था। अगर कोई भी गाड़ी इस तरफ से आती तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, इस वजह से इस अतिक्रमण को हटाया गया। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की। जी हां, एटीएम वह जगह होती है जहां से हम पैसे निकालते हैं, लेकिन जब वहां पर इंसानों की जगह मवेशी घुसे हों तो इंसानों का परेशान होना लाजमी है। ऐसा ही मंजर देखने को मिला दमोह के बांदकपुर में, जहां पर एटीएम में अक्सर मवेशी नज़र आ जाते हैं। दमोह के बांदकपुर में मौजूद एटीएम में अक्सर मवेशी नज़र आ जाते हैं। दरअसल ये एटीएम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन गार्ड की मौजूदगी ना होने की वजह से अक्सर इसमें मवेशी रहते हैं, जो एटीएम को काफ़ी गंदा करते हैं। उसके बाद उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह का नज़ारा है बांदकपुर के इस एटीएम का। बैंकों द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर उपभोक्ताओं से लंबी रकम वसूली जाती है। ये भरोसा दिलाया जाता है कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन एटीएम के नाम पर अगर इस तरह की सुविधा मिलेंगी तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ छल होता नज़र आ रहा है। बांदकपुर से रईस खान की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दमोह की मुकेश कॉलोनी में आज एक 35 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार थी, इस वजह से महिला द्वारा ये कदम उठाया गया है। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। दमोह की मुकेश कॉलोनी में आज एक 35 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की माने तो महिला काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। इस महिला के पति का कहना यह है कि वह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी और परेशान थी, इस वजह से महिला द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। क्या हुआ है जी, फांसी किस कारण से लगा ली है? अब पता ही नहीं है क्या बात है, कछु समझ में भी नहीं आई हमारा ने। हम तो सुबह 8 बजे घर से निकले, सुबह नाश्ता बनाओ, पराठे बना के नाश्ता भी करो, नाश्ता भी कर गए। कब की घटना है? 10:30 के लगभग। हम तो घर पे भी नहीं थे, अब बिटिया आई, उन्होंने हमें फोन लगाओ कर ले बाबा, मम्मी ने फांसी लगा ली। कुछ ऐसा बताया था कोई बीमारी, क्या परेशानी क्या है? ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा, तो थोड़ी की बात है भाई। हमें 10 बजे जब उन्हें फांसी नहीं लगाई, क्योंकि पहले उन्हें फोन लगाओ माला ने कहने हमें उल्टी भाई है, सो कहने लगे खून के धब्बा से आए हैं छीटा से। सो हमने सोची हमने कि बिटिया कहाँ है, सो कहने लगे मामा के तक आई है। हमने गुख बुला लो बुला के, हमने पैसा रखे घर से, हमने तुम ले जाओ दवाई करवा लो, देखो आया तुम। हमने कहा हम गाड़ी पे, हमें टेम नहीं है, कहने हमने तुम्हारा टिफिन लगा के रख दो है, कब तक आओ? हमने दोपहर में टाइम मिले तो आ जाएंगे, बस इतनी बात ही भाई। वो फोन आप मोड़ी कुछ, बस हम भगत है भैया के तसे त्याज देखो उस दरवाजे लटके रहते। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम कोदूलाल विश्वकर्मा। और फांसी लगाई जिन्होंने उनका? नेहा विश्वकर्मा। 2 मिनट अभी जान है। घटना की खबर लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को फांसी से उतारा गया और पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 13वें दिन भी हड़ताल पर है। आज इनके द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंगलवार होने की वजह से इनके द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इनका कहना यह है कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए उनके द्वारा ये पाठ किया जा रहा है। खास बात यह रही कि इस दौरान जो भी महिला कर्मचारी यहां पर मौजूद थी, वे भी इस धरने में शामिल थी और उनके द्वारा भी सुंदरकांड पाठ किया गया। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 13वें दिन भी हड़ताल पर है। इनके द्वारा आज अनूठा प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज सुंदरकांड पाठ किया गया। यहाँ पर महिला कर्मी भी मौजूद थी, उनके द्वारा भी सुंदरकांड पाठ किया गया और शासन की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। हड़ताल का कौन सा दिन है? आज हमारे हड़ताल का 13वां दिन चल रहा है और हम लोगों ने शासन को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु सुंदरकांड का आयोजन किया है। आपकी मांगे तक क्या कोई विचार किया गया, नहीं किया गया? अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। परसों एक संघ को बुला दिया था, लेकिन वो भी ऐसे ही मतलब विफल हो गई बात का। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है, लेकिन इनकी हड़ताल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है। आज 13वें दिन भी इनकी हड़ताल जारी है। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। इस संगठन के सदस्यों का कहना यह है कि जब भी ये कार्रवाई करते हैं, हटा थाना पुलिस द्वारा उनका सहयोग नहीं किया जाता। एक शराब माफिया द्वारा एक कार्यकर्ता को धमकाया जा रहा है, लेकिन हटा थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा आज नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि हटा TI के द्वारा इनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही एक कार्यकर्ता के लिए धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी थी, उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। नारे लगा रहे हैं कि TI की गुंडागर्दी। मान SP महोदय को आवेदन देना चाह रहे हैं। हमारे संगठन द्वारा, भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा 27 जुलाई को गनई थाना के अंतर्गत अवैध शराब का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द करवाया गया था। वहाँ पर FI दर्ज करवाने के बाद में हमारे संगठन के कार्यकर्ता जब घर आए, तो घर आने के बाद वहाँ जो आरोपी थे
नरेंद्र राय और धर्मेंद्र सिंह, इन्होंने हमारे संगठन के सदस्य तुलसी नामदेव के घर जाकर उनको माँ बहन की गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इसका आवेदन वहाँ संबंध थाने को हटा थाने में हमारे तुलसी नामदेव द्वारा दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब वहाँ पर हमारे नामदेव जी गए तो वहाँ TID महोदय द्वारा कहा गया कि आप लोगों ने तो किसने कहा कि आप लोग शराब पकड़वाए, इस तरह की बातें की गई। इसलिए हम श्रीमान SP साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि संबंधित आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। दमो पुलिस अधीक्षक DR तेनिवार के द्वारा इनकी बात को ध्यान से सुना गया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद ये संतुष्ट होकर अपने घर चले गए। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज। दमो के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह बांसा का रहने वाला व्यक्ति है। इसका इसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज जब दोनों का कोर्ट के बाहर आमना सामना हुआ तो पत्नी ने पति की जमकर पिटाई कर डाली। ससुर ने भी पति के ऊपर हाथ साफ किए। क्या है पूरा मंजर, आइए देखते हैं इस खबर में। दमोह के बस स्टैंड पर आज एक पत्नी द्वारा अपने पति की जमकर पिटाई की गई। ससुर भी उसका साथ दे रहा था। ये वीडियो दमोह की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दमोह के बांसाखेड़ा में रहने वाले बिरजू का उसकी पत्नी भावना परिहार के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद कोर्ट तक जा पहुँचा। आज जब दोनों का बस स्टैंड पर आमना सामना हुआ तब पत्नी ने और उसके ससुर ने मिलकर बिरजू के ऊपर हमला बोल दिया। बिरजू की जमकर पिटाई की गई। इसका वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया। जैसे ही यह घटनाक्रम चल रहा था कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अपने साथ कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है कि ये घरू विवाद है। इस वजह से पत्नी द्वारा और ससुर द्वारा अपने दामाद की और पत्नी द्वारा अपने पति की जमकर पिटाई की गई। नरेंद्र अठिया, LKDCN न्यूज, दमोह। क्षत्रिय कुर्मी समाज द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। दरअसल ललितपुर में क्षत्रिय कुर्मी समाज के एक पोस्टर पर वहां की कर्णी सेना द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। पटेल समाज के लोग आज बड़ी तादाद में दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ये सभी क्षत्रिय कुर्मी समाज के सदस्य। इनका कहना यह है कि ललितपुर में कुर्मी क्षत्रिय समाज का पोस्टर लगाए गए थे, जिसके खिलाफ कर्णी सेना द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। वे इस टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से एक ज्ञापन SP साहब को दिया हुआ है और इस संबंध में मुझे जो जानकारी है वो यह है कि हमारे ललितपुर क्षेत्र में कुर्मी क्षत्रिय समाज के होर्डिंग्स लगी हुई थी। कुर्मी क्षत्रिय समाज, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ कर्णी सेना के अराजक तत्वों ने उस पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ समाज के प्रति एवं समाज के महिलाओं के प्रति एवं उसके सभी वर्गों के प्रति बहुत ही भद्दी टिप्पणियाँ की हैं, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश का कुर्मी क्षत्रिय समाज उत्तेजित है और उन पर एक कार्रवाई करने की, उचित कार्रवाई करने की मांग करता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर दमोह SP को भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे मांग की गई है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि सामाजिक समरसता बनी रहे। कुर्मी क्षत्रिय समाज यह नहीं चाहता है कि किसी तरह की सामाजिक समरसता बिगड़े, क्योंकि ये समाजों के बीच इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करना उसकी सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाना है तथा राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह ज्ञापन आज पूर्वी क्षत्रिय समाज की ओर से सौंपा है। दोष सौंपा गया, किन मांगों को लेकर सौंपा गया? आज जो उत्तर प्रदेश में कर्णी सेना के असामाजिक तत्वों द्वारा समाज के ऊपर टिप्पणी की गई है, उसके तत्वाधान में हम सभी जिलावासियों ने समाज के ज्ञापन दिया है कि जो इस प्रकार की गलतियां करते हैं उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई हो, ताकि सामाजिक हर समाज में सभद्रता का व्यवहार बना रहे, अव्यवस्था ना फैले। इस वास्ते हम लोगों ने सबने ज्ञापन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाए। आज क्षत्रिय कुर्मी समाज के लोग बड़ी तादाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इसे घटनाक्रम का विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। नरेंद्र अठिया, LKDCN न्यूज, दमोह। दमोह में एक बार फिर कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। आज एक साथ 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं।
बीते दिनों 6 मरीज निकलकर सामने आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुका था, जबकि 5 एक्टिव केस पहले से मौजूद थे। आज 15 केस मिले हैं। कुल मिलाकर कोरोना के 20 एक्टिव केस अभी दमोह जिले में मौजूद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर की दस्तक भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे सतर्क रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। दमोह नगर में कोरोना महाब्लास्ट हुआ है। आज एक साथ 15 मरीज आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप है। लोगों की असावधानी के चलते लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें, बेवजह घरों से बाहर न निकलें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते। वहीं 15 पेशेंट एक साथ सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क हुआ है। दमोह के हृदयपुर, हटा, पथरिया, बटियागढ़ सहित अन्य क्षेत्रों से मामले सामने आए हैं। काफी तादाद में मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग से सतर्क नजर आ रहा है। क्या कहना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी का, आइए जानते हैं। जो इस कोरोना बीमारी से हमें बचाएगी वो एकमात्र चीज है वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो भी जाता है तो पेशेंट सीरियस नहीं होता, उसकी जान को खतरा नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं कि जिनको सेकेंड डोज दी है, जैसे आज की डेट में हमारे दमोह जिले में 3700 पेशेंट्स कोवैक्सीन का सेकेंड डोज ड्यू है जो आ नहीं रहे हैं, 3700 ड्यू हो गए। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जिसका भी सेकेंड डोज ड्यू है, चाहे कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का, तो जल्द से जल्द हमारे सेंटर्स पे आके सेकेंड डोज लगवाएं, क्योंकि सेकेंड डोज चालू ही है रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ। रोज जिस दिन भी हमारा कोविड वैक्सीनेशन का सत्र है, सभी सेकेंड डोज लग रहे हैं, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड। तो अपना सेकेंड डोज ध्यान में रखें और जरूर आके लगवाएं। क्या एक साथ पेशेंट आया था, इसको तीसरी लहर माना चाहिए क्या? हाँ, आज अचानक से हमारे दमोह जिले में 15 केस पॉजिटिव आ गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से सिर्फ एक पेशेंट फीवर में आया था, फीवर के इसमें बाकी सारे जो हम लोग रूटीन में सैम्पलिंग कर रहे हैं कि भाई कोई केस हमसे एट द अर्लीस्ट मिल जाए, तो रूटीन सैम्पलिंग में मिले हुए केस हैं, किसी को भी कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सारे केसेस को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया है और उनके परिवार वालों को भी एडमिट कर लिया है CCC में, जिससे कि वो फैलाए नहीं दूसरों को। और ये हमारे लिए वार्निंग होना चाहिए। जैसे अपन ने विगत दिनों देख रहे हैं, एक महीने से अपने यहाँ केसेस नहीं आ रहे थे, तो सभी लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं। भीड़ में तो बहुत जा ही रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, जिसपे हमारी पूरी संभावना है कि यदि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो फिर से देर नहीं लगेगी कोविड को फैलने से। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अभी भी कोरोना गया नहीं है, हम सतर्क रहें। वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी दूरी मेंटेन करें, जिससे कि वैक्सीनेशन सेंटर से आप कोरोना की बीमारी ना लेके आए। इसलिए सब हर पेशेंट को ये मान के चले कि किसी को भी कोरोना हो सकता है हर व्यक्ति में, और उनसे दूरी बनाए रखें और मास्क का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज, दबाव। नौहटा पहुंचकर जबेरा तहसीलदार द्वारा और स्थानीय थानेदार द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया। उनके द्वारा लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत भी दी गई, मास्क लगाने की बात कही गई तथा पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की बात भी कही गई। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जबेरा तहसीलदार एवं थाना प्रभारी द्वारा नौहटा का भ्रमण किया गया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत यहां पर उपस्थित लोगों को दी गई। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए समस्त नागरिकों को, दुकानदारों को एवं आम जनता को मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके लिए आज अवेयरनेस के रूप में थाना प्रभारी नौहटा के साथ में ग्राम नौहटा का भ्रमण किया गया। सभी व्यवसायियों को एवं आम जनता को हिदायत दी गई कि आप सभी कंपलसरी रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अन्यथा की स्थिति में कल से जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नौहटा नगर में आज जबेरा तहसीलदार अरविंद यादव, थाना प्रभारी विकास चौहान ने डोर टू डोर भ्रमण करते हुए लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी। लगातार तीसरी लहर का अंदेशा बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि नौहटा में आज प्रशासन द्वारा सक्रियता दिखाई गई। नौहटा से राज दुबे की रिपोर्ट।
छतरपुर के बक्सवाहा में बने मॉडल स्कूल में स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन वहां के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी द्वारा किया गया। उनके द्वारा और भी कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, कई जगह लोकार्पण किया गया और कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया। बक्सवाहा में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ स्थानीय विधायक प्रद्युम्न सिंह ने किया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मतलब विधायक जी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मतलब हम लोग की बहुत केयर की, जो इतना मतलब बक्सवाहा जैसे क्षेत्र में मतलब स्मार्ट क्लास लगेगी और हम लोग को मतलब अच्छी शिक्षा मिलेगी। जो बच्चे मतलब नीचे मतलब जो हाँ जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनको भी एक पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बस आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं सभी में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ होगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उसके अनुरूप कर लो दुनिया मुट्ठी में। वहाँ से हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे थे जिनको जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे और वो उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वो आज इस स्मार्ट क्लास में स्मार्ट स्क्रीन में वो सब पढ़ पाएंगे जो उनके मन में है। बच्चों के लिए कुछ विशेष मैसेज? निश्चित रूप से बच्चे आगे पढ़ें और जहाँ भी विधायक के रूप में मेरी मदद, अभिभावक के रूप में मेरी मदद चाहते हों, मैं तन मन और धन से उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से शिक्षा ही हमारे क्षेत्र का और पूरे देश का उत्थान करने वाली चीज़ है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी नाम होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा, प्रदेश और देश का नाम भी होगा। यहाँ के मॉडल स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक प्रद्युम्न सिंह द्वारा किया गया। वे आज यहाँ के कई और कार्यक्रमों में शामिल हुए, उनके द्वारा कई कार्यों का भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास भी किया गया। बक्सवाहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। IIT के छात्रों का रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा, यही वजह है कि इनके द्वारा अनियमितताओं का हवाला देते हुए एक ज्ञापन दिया गया। NCVT IIT एग्जाम के परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, छात्राओं को काफी परेशानी है। छात्र कहते हैं कि लगातार कोविड काल में परीक्षा का दौर चला है जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हुई, बार बार एग्जाम की डेट बढ़ाई जाती रही। इस बार परीक्षा परिणाम अच्छा ना आने से छात्राओं में भारी आक्रोश है, जिसके चलते आज ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, चाहे इनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारा नाम अमन पटेल है, जो हम ITI से आए हैं, वर्धमान ITI। सभी कॉलेज के ITI के, जैसे सरकारी ITI की भी हमारे पास, ओजस्वनी कॉलेज के भी हैं। NCVT द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका परिणाम हमारे सभी छात्रों के विपक्ष में आया है। इस प्रकार कोरोना काल में ना तो हमारे कॉलेज में कोई एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी संस्था चलनी चाहिए वो कुछ सब डप है, इसलिए NCVT से हमारी सहायता मतलब आवेदन है उनके लिए कि कोई सहायता करें और हम छात्रों के पक्ष में परिणाम आए। हम दमोह से आए हैं, पटेल वार्ड नंबर 3। हम लोग की समस्या इस प्रकार है कि कोई भी हम लोग का रिजल्ट आया जो वो हम लोग के पक्ष में नहीं आया, तो हम लोग का NCVT से निवेदन है कि वो हम लोग के पक्ष में रिजल्ट देने की कृपा करें। अभी कैसा रिजल्ट आया है? अभी बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। किस चीज़ के छात्र हैं आप लोग? हम लोग ITI फिटा ट्रेड से। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सब लोगों का प्रमोशन मिला, तो हम लोग को ही प्रमोशन मिलना चाहिए। ऐसे कितने छात्र हैं? हम लोग करीब 200 छात्र। निर्लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है? संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, तमाम। महिला को नाम और को लियो। तेजगढ़ संकुल के पटेरिया में पदस्थ शिक्षक रमेश कुमार झारिया आज सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके साथियों द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। दमोह के तेजगढ़ विकास खंड अंतर्गत आने वाले तेजगढ़ संकुल के पटेरिया गांव में पदस्थ शिक्षक रमेश झारिया की सेवानिवृत्ति पर आज उनके सहयोगियों द्वारा और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। और साथ में हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी इस शुभ अवसर पर आप सबने ये अपना अमूल्य समय जो दिया
के लिए हम बहुत ऋणी और आभारी हैं। जो भी जाने अनजाने में जो भी त्रुटियाँ हो गई हमारे, तो उनको ध्यान में रखते हुए माफ करना। धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा रमेश झारिया के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है और इस इलाके को शिक्षित किया गया है। आज उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से देखते हैं दिनभर की खास खास खबरें। दमोह के बस स्टैंड पर पत्नी द्वारा पति के साथ की गई मारपीट, ससुर ने भी दामाद पर किया हाथ साफ, वीडियो हुआ वायरल। दमोह तहसीलदार द्वारा जेल विभाग द्वारा बनाए गए पेट्रोल पंप का हटाया गया अतिक्रमण। भगवती मानव कल्याण संगठन ने हटा थाना पुलिस के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। पटेल समाज द्वारा ललितपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए दिया गया ज्ञापन। यह दिनभर की खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।